ये गुटका को ना चकास से लगा देते हो, थोड़ा सा भी लगा देते हो थोड़ा सा, तो आपका ना जो ड्राइविंग टेस्ट का होता है, मतलब ड्राइविंग टेस्ट होता है, उसमें आप फेल हो जाओगे। ये सभी आरटीओ में आपका ड्राइविंग टेस्ट लिया जाता है फोर व्हीलर का, ठीक है। हम लोग आरटीओ में जाते हैं, जाने के बाद ना फेल हो जाते हैं, और हम लोग का दिल धड़क धड़क सा जाता है कि भाई ये जो मतलब ड्राइविंग टेस्ट होता है वो फोर व्हीलर का वो कैसे होता है, ठीक है। तो आज ना हम आप लोगों को फुल मतलब फुल दिखाएंगे। तो आप लोग ना मेरे चैनल पर अगर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबा दो और लाइक करो, एक लाइक तो ज़रूर करो, ठीक है। आप लोग लाइक नहीं करते हो भाई। तो पहले तो आप लोगों को मैं इधर का सिस्टम दिखा देता हूँ, एक बार देख लीजिए। यहाँ पर जो होता है ना ड्राइविंग टेस्ट, देख रहे हो ना, ये गुटखा लगा दिया हूँ, देखो पूरा गुटखा देखो लगा दिया हूँ ना। इस गुटके में क्या होता है ना, ये गाड़ी है ना, गाड़ी को पहले आपको इधर से इधर फुल लेके जाना है, आगे तक लेके जाना है, और आपके साथ आरटीओ वाला है ना वो ऑफिसर आपके साथ मौजूद रहता है, और ऑफिसर आपको गाइड करता है, वो बोलता नहीं है कुछ, खाली आपको बोलता है ऐसे चलो। तो जैसे आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ गाड़ी खड़ा है, देख लीजिए इधर गाड़ी खड़ा है ना, और इसी रास्ते में, ठीक है, इसी रास्ते में ऐसे आपको सीधा आना है, सीधा आना है, और गुटके में अटैच नहीं होना है, ठीक है, इधर आना है, और आने के बाद फिर आपको यहाँ से बैग जाना है, फिर यहाँ से पीछे आपका बैग जाना है, ठीक है, फिर आपके बैग जाना है, ऐसे बैग आना है, ठीक है। अगर आप ये काम फुल्ली कर लेते हो, ठीक है, तो आप पास हो जाओगे, और अगर आप ये गुटका को ना चका से लगा देते हो, थोड़ा सा भी लगा देते हो थोड़ा सा, तो आपका ना जो ड्राइविंग टेस्ट का होता है, मतलब ड्राइविंग टेस्ट होता है, उसमें आप फेल हो जाओगे। और ऐसे ही वॉल्टो, जैसे कि ये वॉल्टो 800 2013 मॉडल है, मेरे का जो इससे पुराना वाला मॉडल है ना उसमें आता है, और अंदर में क्या क्या फ्यूचर रहता है मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। आइए ऐसे ही आपको बैठना है गाड़ी में, ठीक है, गाड़ी में आप बैठ गए, ठीक है। बैठने के बाद इधर आप लोग देख पा रहे ना, क्लच है, ब्रेक है, सब कुछ है ना, देख सकते हैं इधर क्लच ब्रेक और एक्सीलेटर है, ठीक है। इस साइड में जो गाड़ी का आपका ड्राइविंग टेस्ट होगा ना, इस साइड में भी, इस साइड में भी आपका मतलब क्लच होगा और ब्रेक होगा, एक्सीलेटर नहीं होगा, क्लच भी होगा, ब्रेक होगा, और मतलब एक्सीलेटर नहीं होगा, एक्सीलेटर एक साइड में ही है। और यहाँ पर ना जो ऑफिसर है ना वो बैठता है आपके पास में, ऑफिसर बैठता है, और बैठने के बाद आपको बोलता है चलो, हो जाता है आपसे, आप गाड़ी को इधर उधर कर देते हो या स्पीड कर लेते हो, तो क्या करता है ना, यहाँ पर जो ब्रेक रहता है ना, जो आपका ऑफिसर रहेगा वो ब्रेक लगा देता है, और ब्रेक लगाने के बाद आपका गाड़ी को वो मतलब रुका देता है, और आप अगर सही तरीके से, सही तरीके से गाड़ी को आगे ले जाते हो, पीछे ले कर आ जाते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जो है ट्रायल में पास हो जाओगे, ठीक है। और आपको तो गाड़ी का फुल नॉलेज होना चाहिए, नहीं तो आप नहीं जाओ भाई। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है गाड़ी को कैसे ड्राइव करते हैं, तो मेरा वीडियो है, आप लोग आई बटन में मैं लिंक दे दूंगा, और कार को कैसे ड्राइविंग करता है, और जैसे कि बाइक, अगर आप बाइक को चलाना चाहते हो, बाइक का ट्रायल देना चाहते हो, तो बाइक का भी मेरा वीडियो है, वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए मैं आपको ना ड्राइविंग करके दिखाता हूँ कैसे आगे लेके जाना है और आगे से पीछे लेके आना है, ठीक है। तो आप लोगों को मैं फुल्ली दिखाता हूँ। तो फाइनली तो आप लोग देख ही लिया,
जो गाड़ी को हम आगे लेके गए फिर पीछे लेके आ गए। तो आप लोगों को ऐसे घर में अगर आप ड्राइविंग मतलब लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रहे हो ना, तो आपका ना खुद घर में पहले आपका पूरा मतलब सेटिंग होना है और प्रैक्टिस करना है। ऐसे ही सभी आरटीओ में आपका ड्राइविंग टेस्ट लिया जाता है फोर व्हीलर का, ठीक है। तो आप लोग इसी टॉपिक को फॉलो करके और इसी सिस्टम को फॉलो करके आप लोग जो है ड्राइविंग लाइसेंस को पा सकते हो। तो मेरे वीडियो अगर हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक करो, एक कमेंट करो, एक शेयर करो, और मिलता हो नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।